अथ षोडशो अध्याय। जलंधर से भयभीत देवताओं का विष्णु के समीप जाकर स्तुति करना। विष्णु सहित देवताओं का जलंधर की सेना के साथ भयंकर युद्ध। सनत कुमार उवाच। पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवं सवसुवः भयात् प्रकम्पिताः सर्वे सहैवारुद्धोद्धृतं वैकुण्ठं प्रययुः सर्वे पुरस्कृत्य प्रजापतिं तुष्टोऽवस्ते सुरानत्वा स प्रजापतयोऽखिलः। सनत कुमार बोले, इंद्र सहित सभी देवता उस दैत्य को पुनः आता हुआ देखकर भय से कांप उठे और शीघ्र ही एक साथ भाग गए। प्रजापति को आगे कर वे सब वैकुंठ में गए और फिर प्रजापति सहित सभी देवता प्रणाम कर विष्णु की स्तुति करने लगे। देवा उचु ऋषिकेश महाबाहु भगवन मधुसूदन नमस्ते देव देवेश सर्व दैत्य विनाशक मत्स्य रूपाय ते विष्णु वेदान्नीत पते नमन सत्यव्रते सद्राक्य प्रलयाद्धि विहरिणे। देवता बोले, हे ऋषिकेश, हे महाबाहु, हे भगवान, हे मधुसूदन, हे देव देवेश, हे सर्व दैत्य विनाशक, आपको नमस्कार है। मत्स्य रूप धारण कर सत्यव्रत राजा के साथ प्रलयाब्धि में विहार करने वाले तथा वेदों को लाने वाले मत्स्य रूप हे विष्णु, आपको नमस्कार है। कुर्वाणानां सुराणां च मन्थनायोद्यमं द्विषं विप्रते मदरगिरिं कुर्मरूपाय ते नमः नमस्ते भगवन्नाथ त्रिकुले सुकुरात्मने वसुन्धरां जलाधारं मूर्धतो विप्रते नमः। समुद्र मंथन के लिए देवताओं के महान उद्योग करते समय मंदराचल पर्वत को धारण करने वाले कक्षक रूप आपको नमस्कार है। मनुष्य को आश्रय देने वाले इस वसुंधरा को दाढ़ पर धारण करने वाले यज्ञ वराह स्वरूप हे भगवान, आपको नमस्कार है। वामनाय नमस्तुभ्य मुपेन्द्राख्याय विष्णवे विप्ररूपेण दैत्येन्द्रं बलिं चलय विभो। विप्र रूप से दैत्येंद्र बलि को छलने वाले उपेंद्र नामक वामन रूपधारी हे विष्णु, हे विभो, आपको नमस्कार है। नमः परशुरामाय क्षत्रनिक्षत्रकारिणे मातुर्हितकृते तुभ्यं कुपिताय सुतां द्रुहे रामाय लोकरामाय मर्यादा पुरुषाय ते रावणान्तकरायाशु क्षत्रियों के छत्र का अंत करने वाले, माता का हित करने वाले, कुपित होने तथा दुष्ट जनों का विनाश करने वाले और परशुराम के रूप में अवतार धारण करने वाले आपको नमस्कार है। लोक को प्रसन्न करने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम तथा शीघ्र रावण का वध करने वाले और सीतापति राम के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आपको नमस्कार है। नमस्ते ज्ञान पूर्णाय कृष्णाय परमात्मने राधा विहर्षिणाय नमस्ते गुरुदेहाय वेदनिन्दा करय च योगाचार्याय जैनाय बौद्धरूपाय मापते। गुण ज्ञान वाले, राधा के साथ विहार करने वाले और विविध लीला करने वाले कृष्ण रूपधारी आप परमात्मा को नमस्कार है। गुप्त शरीर धारण करने वाले योग के आचार्य तथा वेद विरुद्ध जैन रूप एवं बौद्ध रूप को धारण करने वाले आप लक्ष्मीपति को नमस्कार है। नमस्ते कल्कि रूपाय वृक्षाणाम अंतकारिणे अनंत शक्ति रूपाय सधर्म स्थापनाय च नमः कपिल रूपाय देवहूत्यै महात्मने वदते सांख्ययोगं च सांख्याचार्याय वै प्रभो।
सद्धर्म की स्थापना के लिए मलेच्छों का विनाश करने वाले अनंत शक्ति से संपन्न तथा कल की रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। हे प्रभु, देवभूति के लिए कपिल रूप धारण कर सांख्य योग का उपदेश देने वाले आप महात्मा सांख्याचार्य को नमस्कार है। नमः परम हंसाय ज्ञानम संवदते परम विधात्रे ज्ञान रूपाय येनात्मा संप्रसीदति। परमहंस रूप से आत्मविमुक्त परक परम ज्ञान का उपदेश करने वाले ज्ञान रूप विधाता आपको नमस्कार है। वेद व्यासाय वेदान विभागम कुरुते नमः हिताय सर्वलोकान पुराणारचनाय च एवं मत्स्यादितनुभिर् अपकार्योदतायते सर्वस्थिति ध्वंस कत्र नमस्ते रमणे प्रभु। समस्त लोगों के हित के लिए पुराणों की रचना करने वाले तथा वेदों का विभाग करने वाले वेद व्यास रूपधारी आपको नमस्कार है। इस प्रकार मत्स्यादि रूपों से भक्तों के कार्य के लिए तत्पर रहने वाले तथा सृष्टि पालन एवं प्रलय करने वाले ब्रह्म रूप हे प्रभु आपको नमस्कार है। अपने दासों के दुखों को दूर करने वाले सुखद शुभ स्वरूप गरुड़ पर सवारी करने वाले पीताम्बर धारी आप विष्णु को नमस्कार है। सभी क्रियाओं के एकमात्र कर्ता तथा शरणागत रक्षक आपको बार बार नमस्कार है। दैत्य संतपितामर्त्य दुखादि ध्वंस वज्र कर शेष तल्प शयार्क चंद्र नेत्राय ते नमः। दैत्यों के द्वारा संतप्त देवताओं के दुख का नाश करने वाले हे वज्र स्वरूप शेष रूपी शैया पर शयन करने वाले तथा सूर्य चंद्र नेत्र वाले आपको नमस्कार है। कृपा सिंधु परमानाथ पाहिनः शरणागतान् जलंधरेण देवाश्च स्वर्गात् सर्वे निरक्ता सूर्यो निःसारितः स्थानात् चंद्रो वनस्तथैव च पतारानकराजश्च धर्मराजो निरक्ता। हे कृपा सागर हे रमानाथ हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। जलंधर ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है, उसने सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि को उनके स्थान से हटा दिया है तथा पाताल से नागराज को और धर्मराज को भी निकाल दिया है। विचरन्ति यथामर्त्या शोभन्ते नभते सुरा शरणन्ते वयं प्राप्ता वधस्तस्य विचिन्तया। वे देवता मनुष्य के समान भटक रहे हैं, इससे वे शोभित नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हुए हैं, आप उसके वध का उपाय सोचिए। सनत कुमार उवाच। इति दीन वचः श्रुत्वा देवानां मधुसूदनः जगत् करुणा सिन्धु मेघनिर्भ्याय गिरा। सनत कुमार बोले, तब करुणा सिंधु मधुसूदन देवताओं का यह दीन वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगे। विष्णु उवाच। भयं त्यजत हे देव गमिष्याम्य हमहवं जलंधरं दैत्येन करिष्यामि परक्रमं। इत्युक्त्वा सहसोत्थाय दैत्यालिखिन् मानसः आरोहत् करुणं वेगत् कृपया। विष्णु जी बोले, हे देवताओं आप लोग भय का त्याग कीजिए, मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा और दैत्य जलंधर से युद्ध करूंगा। इस प्रकार कहकर दुखी मन वाले भक्त वत्सल दैत्यारी विष्णु अनुग्रह पूर्वक सहसा उठकर गरुड़ पर वेग से सवार हो गए। लक्षन्तं वल्भं दृष्ट्वा देवः सार्धं समुद्रजा साञ्जलिर्बष्पनयन लक्ष्मीर्वाचनमब्रवीत्। उस समय देवताओं के साथ जाते हुए अपने पति श्री विष्णु को देखकर नेत्रों में जल भरकर हाथ जोड़कर समुद्र पुत्री लक्ष्मी ने यह वचन कहा। लक्ष्मी उवाच। अहम् केवल भानात् भक्ताय दिच सर्वदा तत्कथं ते मम भ्राता युधे वध्य कृपानिधि। लक्ष्मी जी बोले, हे नाथ यदि मैं आपकी प्रिया और सदा आपकी भक्त हूँ तो हे कृपानाथ आप मेरे भाई का वध युद्ध में कैसे कर सकते हैं। विष्णु उवाच।
जलंधरेण दैत्येन करिष्यामि पराक्रमम्। तैः संस्तुतं गमिष्यामि युद्धाय त्वरितान्वितः। रुद्रांश संभवत्वाच्च ब्रह्माणो वचनादपि। विद्या च तव नेवाय अमावाद्यो जलंधर। विष्णु जी बोले, मैं उस जलंधर के साथ अपना पराक्रम करूंगा। देवों ने मेरी स्तुति की है, अतः मैं शीघ्र ही युद्ध के लिए जाऊंगा। किंतु रुद्रांश से उसके उत्पन्न होने, ब्रह्मा को वचन देने तथा तुम्हारी प्रीति के कारण उस जलंधर का वध नहीं करूंगा। सनत कुमार उवाच। द्रुतं स प्राप्तत्रैव यत्र दैत्यो जलन्धरः। कुर्वन् सिंहरवं देवज्वरद्भिर्विष्णु तेजसा। अथारुणानुजजाव अक्षिपात प्रपीडितान्। वत्या विवर्तिता दैत्य अभ्रमुखे यथा घना। शरद कुमार बोले, यह कहकर विष्णु शंख चक्र गदा और तलवार धारण कर गरुड़ पर सवार हो गए और इंद्रादि देवताओं को साथ लेकर युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक चल पड़े। विष्णु के तेज से प्रकाशित होते देवताओं के साथ सिंहनाद करते हुए विष्णु शीघ्र वहां पहुंचे जहां वह जलंधर था। उस समय अरुण के लघु भ्राता गरुण के पंखों के वायु वेग से पीड़ित हुए दैत्य इस प्रकार चक्कर काटने लगे जैसे वायु के द्वारा उड़ाए गए बादल आकाश मंडल में घूमने लगते हैं। उद्रित्या वचनं प्रोदत् द्रुतं विष्णुं समभ्यदत्। एतस्मिन्नन्तरे देव चक्रुर्युद्धं प्रहर्षितम्। तेजसा च हरिः पुष्टः महाबलः समन्वितः। तब वायु के वेग से पीड़ित हुए दैत्यों को देखकर अमर्ष युक्त वचन कहता हुआ वह जलंधर बड़ी तेजी से विष्णु पर झपटा। इसी बीच विष्णु के तेज से दैदीप्यमान महाबलशाली देवता भी प्रसन्न होकर युद्ध करने लगे। युद्धोद्यतम समालोक्य देव सैन्यम उपस्थितम्। दैत्यानाख्यपयामास समरे चति दुर्मदम्। तब वहाँ उपस्थित देव सेना को युद्ध के लिए उद्यत देख कर जलंधर ने युद्ध में दुर्मद दैत्यों को आज्ञा दी। जलंधर उवाच। भो दैत्य परायूयम् युद्धं कुरुत दुस्तरम्। शक्राद्यरमनैरद्य कबुलः कतुरः सदा। जलंधर बोला, हे श्रेष्ठ दैत्यो, तुम लोग सदा से कायर किंतु प्रबल इन इंद्रादि देवताओं के साथ आज अत्यंत कठिन युद्ध करो। मार्यास्तु लक्ष्य संख्याता धौम्राही शति संख्यका। असुरः कोटि संख्याता कालकीयास्तु देव च। कालकानां दौर्हृदानां कंकानां लक्ष्य संख्यया। अन्येऽपि स्वबलैर्युक्ता विनिर्यातु ममज्ञया। सर्वे सच्च विनिर्यात बहुसेनाभि संयुता। नानाशस्त्रश्च संयुक्त निर्भया गति संशया। भो शुम्भ विशुम्भो च देवं समर्कातरा। क्षणेन सुमहावीर्य दुःखान्नाशय तं युवा। 100,000 संख्या वाले मौर्य, 100 संख्या वाले धौम्र, करोड़ों की संख्या वाले कालकेय, 100,000 की संख्या वाले कालक, दौर्हृद तथा कंक नामक असुर तथा अन्य असुर भी मेरी आज्ञा से अपनी अपनी सेनाओं के साथ निकले। सभी लोग सज्जित होकर विशाल सेनाओं से युक्त हो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए निर्भय एवं संशय रहित होकर निकल पड़े। हे शंभु एवं निशुम्भ महाबलवान, तुम दोनों क्षण मात्र में युद्ध करने में कायर तथा तुच्छ देवताओं का विनाश कर दो। सनत कुमार उवाच। इत्थं युद्ध विशारदा। युयुधुस्ते सुरः सर्वे चतुरंग बलान्विता। सनत कुमार बोले, तब जलंधर ने इस प्रकार दैत्यों को आज्ञा दी। तब युद्ध विशारद हुए समस्त असुर अपनी चतुरंगी सेना लेकर युद्ध करने लगे। गदाभिस्तीक्ष्ण बाणैश्च शूलपट्टिश तोमरः। केचित् पराशुशूलैश्च द्विजघ्नुस्ते परस्परम्। वे गदा, तीक्ष्ण बाण, शूल, पट्टिश,
त्योमर, परशु और शूलादि अस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। नाना युद्ध परस्तत्र निजग्नुस्ते बलंदितं देवास्तथा महावीर ऋषिकेश बलंदितं योयोधोस्ते क्षपाणश्च क्षेपन्तः सिंहभद्रवः केचित् बाणः सुतीक्ष्णश्च केचिन्मुसलतोमुरः केचित् पराशुशूलश्च निजग्नुस्ते परस्परम् इत्थं शूराणां दैत्यानां सङ्ग्रामः सम्भून्महान् अत्यल्पाणो मुनीनां हि सिद्धानां भयकारकः। विष्णु के बल से युक्त वे महाबलवान देवगण सेनाओं को साथ लेकर अनेक प्रकार के श्रेष्ठ आयुधों से प्रहार करने लगे। वे सिंह के समान गर्जन करते हुए तथा वाणों को छोड़ते हुए युद्ध कर रहे थे। कोई तीक्ष्ण वाणों से, कोई मुसलों और तोमरों से तथा कोई परशु से एवं त्रिशूल से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार देव दानवों में महाभयंकर संग्राम छिड़ गया, जो मुनियों तथा सिद्धों में भय उत्पन्न करने वाला था। श्री शिव महापुराणे द्वितीयामृत संहितायां पंचमे युद्ध खंडे जलंधर वधो पाख्याने देव युद्ध वर्णन नाम षोडशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधो पाख्यान के अंतर्गत देव युद्ध वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।